को शेट ठोक दीजिए, महाकाल का तबाह कर लाएगा, शेट ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। प्रीवियस में आपने जो स्टेटस देखा, जो वीडियो देखा, इस तरीके का वीडियो या स्टेटस अगर आप भी क्रिएट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, एंड तक देखना। और अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, क्योंकि आपको मेरे चैनल पर इसी तरह ट्रेंडिंग और लेटेस्ट टाइटल देखने को आपको ज़रूर मिलेगा। और अभी तक आपने अगर मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, मेरा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करना। टेलीग्राम पर आपको सभी मटेरियल, जो भी फोटोज़ या वीडियोज़ होता है, आपको ईजिली मिल जाता है। और इस वीडियो में एक टेम्पलेट यूज हुआ है, अगर वो टेम्पलेट अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो को कंप्लीट देखना पड़ेगा। वीडियो में आपको पासवर्ड मिलेगा, पासवर्ड 4 डिजिट का होगा, पासवर्ड यूज़ करेंगे तभी आप जो टेम्पलेट है वो डाउनलोड कर सकते हैं। इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, एंड तक देखना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो आपको डिस्क्रिप्शन पे 2 प्रीसेट का लिंक मिलेगा, एक है बिटमार्क का, एक है इफेक्ट का। तो आपको दोनों को एलाइट मशीन में इंपोर्ट कर लेना है। आपको टेलीग्राम पे इजीली मिल जाएगा दोनों XML जो है, आपको प्रीसेट आपको मिल जाएगा। आपको सिंपल से टेलीग्राम से डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपको 3 डॉट पे क्लिक करके अलर्ट मोशन पे शेयर कर देना है, ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाएगा। इंपोर्ट हो जाने के बाद आपको प्रोजेक्ट पे आना है, जो बिटमार्क वाला प्रोजेक्ट है कुछ इस तरीके से आपको ओपन करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने जो टेक्स्ट है ऑलरेडी यहाँ पे मैंने टाइप करके रखा है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे बिटमार्क ऐड हुआ है। तो आपको यहाँ पे बिटमार्क के हिसाब से कैसे सब कुछ होता है मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, एंड तक देखना। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है, एरो पे क्लिक करना है, आपको फर्स्ट बिटमार्क पे आ जाना है। फर्स्ट बिटमार्क पे आ जाने के बाद आपको यहाँ पे इमेज ऐड करना है, प्लस पे क्लिक करना है, मीडिया पे जाना है। आपको इस तरीके से आपको बहुत सारे इमेज मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन करेंगे तो आपको ये सभी इमेज आपको इजीली मिल जाएगा, ठीक है। इमेज को सिलेक्ट करना है, 3 डॉट पे क्लिक करना है, फिल कंपोजिशन एरिया करना है, नेक्स्ट बिट मार्क पे जाना है, बाकी पार्ट रिमूव करना है, प्लस पे क्लिक करना है, मीडिया पे जाना है। इस तरीके से आपको क्या करना है, जो इमेज है आपको बिट मार्क के हिसाब से इजीली यहाँ पे ऐड कर लेना है। इसी तरह आपको क्या करना है, बिटमार्क के हिसाब से आपको इमेज ऐड कर लेना है। इमेज ऐड करना बहुत ही सिंपल है, प्लस पे क्लिक करना है, मीडिया पे जाना है, आपको इस तरीके से इमेज ऐड कर लेना है, फिल कंपोजिशन कर लेना है, मूवमेंट ट्रांसफॉर्म में आना, जूम लेयर पे थोड़ा सा जूम इन कर लेना है, बैक आना है, नेक्स्ट बिटमार्क पे जाना है, बाकी पार्ट रिमूव कर देना है। अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा लाइक कर देना, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना, और एक कॉमेंट ज़रूर करना कि आपको वीडियो कैसा लगा। इस तरीके से आपको बिटमार्क के हिसाब से सभी इमेज को आपको ऐड कर लेना है। मूवमेंट ट्रांसफॉर्म में ना, जूम लेयर पर इस तरीके से आपको थोड़ा सा जूम इन कर लेना है, बाकी पार्ट को रिमूव कर देना है, बहुत ही सिंपल। इसी तरह आपको क्या करना है, सभी जो इमेज है आपको ऐड कर लेना है। और ये सभी इमेज आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, सभी मटेरियल आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। अभी तक अगर लाइक नहीं किया है प्लीज़ लाइक कर देना, और एक कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा, और किस तरीके आपको नेक्स्ट ट्यूटोरियल चाहिए। आप ये भी कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको नेक्स्ट किस टाइप का ट्यूटोरियल चाहिए। इस तरह आपको क्या करना है, बिटमार्क के हिसाब से सभी इमेज को ऐड कर लेना है। सभी इमेज को ऐड कर लेने के बाद आपको स्टार्टिंग पॉइंट पर आना है, प्लस पे क्लिक करना है, मीडिया पे जाना है, आपको एक टेम्पलेट यहाँ पे ऐड करना है। इस तरह से आपको टेम्पलेट ऐड करना है, टेम्पलेट को सिलेक्ट करना है, 3 डॉट पे क्लिक करना है, फिल कंपोजिशन एरिया करना है, फर्स्ट बिटमार्क पे जाना है, बाकी पार्ट इजीली रिमूव कर देना है, इसका ऑडियो आपको म्यूट कर देना है। म्यूट कर देने के बाद आपको स्टार्टिंग पॉइंट पे आना है, टेम्पलेट को सिलेक्ट करना है, सभी टेक्स्ट के नीचे लेके जाना है। इस तरह से सभी टेक्स्ट के नीचे लेके जाना है, और इस टेम्पलेट को सिलेक्ट करना है, मूवमेंट ट्रांसफॉर्म में ना, जूम लेयर पर थोड़ा सा जूम इन कर लेना है। अगर ये ऑडियो आपको अगर सुनाई नहीं दे रहा है तो टेलीग्राम चैनल पे मैं ऑडियो दे दूंगा, ऑडियो आप इजीली यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको सिंपल से यहाँ से बैक आना है, जो इफेक्ट है इफेक्ट पे चले जाना है, और यहाँ पे आपको एक टेक्स्ट और 2 इमेज देखने को मिलेगा, ठीक है। टेक्स्ट पे जाना है, इफेक्ट्स पे जाना है, 3 डॉट पे क्लिक करके कॉपी इफेक्ट करना है, बैक आना है, बिटमार्क वाले प्रोजेक्ट पे जाना है, और जितना भी टेक्स्ट दिखाई दे रहा है सभी पे आपको ये वाला इफेक्ट पेस्ट कर देना है।
आपको सिंपल से टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, इफेक्ट्स पे जाना है, थ्री डॉट पे क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट कर देना है। बहुत ही सिंपल तरीके से आपको यहाँ पे पेस्ट इफेक्ट कर देना है। इस तरह से कर देने के बाद आपको सिंपल से ऐसे बैक आना है, XML पे फिर से जाना है, जो इफेक्ट वाला XML है, फर्स्ट इमेज को सिलेक्ट करना है, इफेक्ट्स पे जाना है, थ्री डॉट पे क्लिक करके कॉपी इफेक्ट करना है, बैक आना है, बिटमार्क वाले प्रोजेक्ट पे जाना है, एरो पे क्लिक करना है, फर्स्ट बिटमार्क पे आ जाना है, फर्स्ट इमेज पे आपको ये वाला इफेक्ट सिंपल से पेस्ट करना है। उसके बाद आपको एक इमेज छोड़ के आपको ये वाला इफेक्ट सिंपल से पेस्ट करते रहना है, ठीक है। इस तरह से आपको एक इमेज छोड़ रहना है और बाकी इमेज पे आप लोग ये वाला इफेक्ट पेस्ट कर देना है। एक इमेज छोड़ के आपको फर्स्ट इफेक्ट जो है वो पेस्ट करना है। इमेज पे जाना है, इफेक्ट्स पे जाना है, थ्री डॉट पे क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट कर देना है। बहुत ही सिंपल है। इस तरह मैं आपको सिंपल प्रोसेस के साथ बताता रहता हूँ, इसलिए अगर थोड़ा सा भी पार्ट अच्छा लगा तो लाइक करके ज़रूर जाना और कमेंट भी करना कि आपको वीडियो कैसा लगा। इस तरह से आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ से बैक आना है, फिर से आपको इफेक्ट वाले XML पे जाना है। अभी लास्ट इमेज का इफेक्ट आपको यहाँ से कॉपी कर लेना है। बैक आना है, बिटमार्क वाले प्रोजेक्ट पे जाना है, फर्स्ट बिटमार्क पे आना है। उसके बाद आपने क्या जो इमेज छोड़ा था उस इमेज पे आपको ये वाला इफेक्ट सिंपल से पेस्ट कर देना है। सेकेंड इमेज से आपको बाकी जितना भी इमेज आपने छोड़ा था सभी पे आपको सिंपल से ये वाला इफेक्ट पेस्ट कर देना है। बहुत ही सिंपल है, आपको इस तरह आपको बस पेस्ट इफेक्ट करना है, ठीक है। तो पेस्ट इफेक्ट करने का आप देख सकते हैं हमारा जो स्टेटस है वो कंप्लीट हो चुका है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, इस तरीके से आप देख सकते हैं। थोड़ा सा अभी लैग होगा क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे इफेक्ट यूज हुआ है और बहुत सारे इमेज ऐड हुआ है, इसलिए थोड़ा सा लैग हुआ, ठीक है। इस तरह से आप देख सकते हैं। आपको सेव करने के लिए राइट पे कॉर्नर पे क्लिक करना है, हाई रेजोल्यूशन में वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना। सो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।